अब देखो, अब हम देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एज पर डिफरेंट स्कॉलर्स. डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एज पर डिफरेंट स्कॉलर्स. राइट, ओके. सबसे पहले आते हैं आपके केसी डेविस. केसी डेविस, केसी डेविस किस किन वर्ड्स में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को डिफाइन करते हैं? देखो, ये कहते हैं दोज रूल्स, वो सभी रूल्स. केसी डेविस कहते हैं दोज रूल्स, वो सभी रूल्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय कोर्ट, विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय कोर्ट एज लॉ. ठीक है, तो केसी डेविस कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मतलब है वो सभी रूल्स जिन्हें रिकॉग्निशन मिलता है किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा. और वो सभी रूल्स क्या कहलाते हैं? लॉ कहलाते हैं. दोज रूल्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय कोर्ट एज अ लॉ विच रिलेट्स टू एंड रेगुलेट the administration of government, the administration of government known as administrative law. उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही हम administrative law कहते हैं. ठीक है, तो केसी डेविस कहते हैं कि देखो, administrative law से हमारा मतलब उन सभी rules से है जो recognized किया जाता है किसके द्वारा? Court के द्वारा, in form of law, law के form में, which relates to, जो कि रिलेटेड है एंड रेगुलेट करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन को, उसे हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. तो ये है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन द वर्ड्स ऑफ हुम, इन द वर्ड्स ऑफ केसी डेविस. हमारे देश का जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं उनके जो भी पावर्स और फंक्शंस हैं वो इन्हीं तीनों हेड्स में क्या है? डिवाइड हैं. और एक देश के एडमिनिस्ट्रेशन को इन्हीं तीनों हेड्स के तहत चलाया जाता है. राइट, लेजिस्लेचर क्या करता है? लेजिस्लेचर मेनली लॉज बनाने का काम करता है. एग्जीक्यूटिव उन लॉज के इम्प्लीमेंटेशन पे काम करता है, उन लॉज के एप्लीकेशन पे काम करता है. जुडिशरी ये इंश्योर करता है कि जो भी लॉज लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए हैं वो विद इन द परव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, विद इन द लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है. क्या जो भी लॉ बनाए गए हैं वो किसी भी मैनर में हमारे देश के सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करते हैं या नहीं करते हैं? अगर जो भी लॉज बनाए गए हैं वो हमारे देश के लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करते हैं तो जुडिशरी के पास पावर होता है उन लॉज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने का. तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो तीनों बॉडीज हैं वो एक दूसरे के वर्क को चेक एंड बैलेंस करने का काम करती हैं. आज के इस वीडियो में हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसके नेचर को समझेंगे. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले आप देखो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का क्या मतलब है. देखो, एक ऐसा लॉ जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के एक्शंस को रेगुलेट करता हो, उनके एक्शंस को बाइंड करता हो, उनके ऊपर कंट्रोल रखता हो, दैट लॉ इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. क्या कहा गया? देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मतलब है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मीन्स a law which regulates, bind or control the action of administrative authorities. एक ऐसा law जो administrative authorities के actions को, उनके functions को bind, कंट्रोल और रेगुलेट करता हो, उस लॉ को हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. विच बाइंड्स
कंट्रोल एंड रेगुलेट्स द एक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज फॉर पीसफुल एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. ठीक है, ओके. तो अगर एग्जाम में आता है व्हाट डू यू मीन बाय एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, तो आप ऐसे डिफाइन कर दोगे. ठीक है, चलो और इसके कुछ हम देख लेते हैं डेफिनेशंस को. इन शॉर्ट आप ये भी कह सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ लॉ विच गवर्न्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री. जो एक देश के एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्न करता हो उस लॉ को हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. अ लॉ विच एम्स एट, या एक ऐसा लॉ जिसका एम क्या है, पीसफुल एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. ऐसे भी आप कह सकते हो. तो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं अ लॉ विच helps in effective and peaceful administration known as what? Known as administrative law. Now देखो, administrative law की शुरुआत कहाँ से होती है? In India, administrative law was developed during 20th century. India में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डेवलप होता है 20वीं शताब्दी के आसपास, राइट? लेकिन इट डजंट मीन दैट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वाज नॉट एग्जिस्टेड प्रायर टू 20th सेंचुरी. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 20वीं शताब्दी से पहले एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एग्जिस्ट नहीं करता था, करता था. लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है उसे एक सेपरेट एग्जिस्टेंस मिलता है 20वीं शताब्दी में, राइट? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बेसिकली हमारे उस पब्लिक लॉ का ब्रांच है. हम जानते हैं कि जो लॉ है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्राइवेट लॉ, दूसरा होता है पब्लिक लॉ, राइट? तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ. ये क्या है? पब्लिक लॉ का एक ब्रांच है जो कि डील करता है किससे? एडमिनिस्ट्रेशन से. तो दूसरे वर्ड्स में आप ये भी कह सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पब्लिक लॉ का वो ब्रांच है जो एडमिनिस्ट्रेशन से डील करता हो, उसे हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक अनकोडिफाइड लॉ है. इट इज़ व्हाट? इट इज अनकोडिफाइड लॉ. क्लियर है? चलिए, तो आई होप कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. In simple words, we can say administrative law means a law which governs the administration of a country, of a nation, is called administrative law. ठीक है, okay. अब देखो, जब हम law के बारे में बात करते हैं तो law basically दो types के होते हैं, right? एक होता है हमारा private law, एक होता है हमारा public law. प्राइवेट लॉ क्या है? देखो, प्राइवेट लॉ अ लॉ विच गवर्न्स द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स ओनली. एक ऐसा लॉ जो दो इंडिविजुअल्स के ऊपर एप्लीकेबल होता हो, दो पार्टीज के ऊपर एप्लीकेबल होता हो. लॉ का जो प्रोविजन दो पार्टीज के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है, जिनके बीच डिस्प्यूट होता है, उसे हम कहते हैं प्राइवेट लॉ. जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है, मैटर्स रिगार्डिंग डाइवोर्स, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ये सभी क्या हैं? ये सभी प्राइवेट लॉ के कैटेगरीज हैं. और ये केवल इंडिविजुअल्स, इन लॉ के जो प्रोविजंस होते हैं वो केवल इंडिविजुअल्स पे ही एप्लीकेबल होते हैं, राइट? ओके. दूसरा होता है पब्लिक लॉ. देखो, ऐसे लॉ जिनका जो प्रोविजंस है वो एंटायर सोसाइटी पे एप्लीकेबल होता है, उसे हम कहते हैं पब्लिक लॉ.
जैसे जैसे आईपीसी, ठीक है, जैसे जैसे आपका ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये भी क्या है, ये भी एक पब्लिक लॉ ही है। तो ऐसे लॉ जो केवल इंडिविजुअल्स पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं बल्कि एंटायर स्टेट पे एप्लीकेबल होते हैं, उसे हम कहते हैं पब्लिक लॉ। तो लॉ के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, प्राइवेट लॉ और पब्लिक लॉ, ठीक है। चलिए अब देखो, एक क्वेश्चन आता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज क्लोजली रिलेटेड विथ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, हाउ? इसे हम आगे चल के समझेंगे। अब देखो, अब हम देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एज पर डिफरेंट स्कॉलर्स। डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एज पर डिफरेंट स्कॉलर्स, राइट? ओके, सबसे पहले आते हैं आपके केसी डेविस। केसी डेविस, केसी डेविस किस किन वर्ड्स में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को डिफाइन करते हैं? देखो, ये कहते हैं दोज रूल्स, वो सभी रूल्स, केसी डेविस कहते हैं दोज रूल्स, वो सभी रूल्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय कोर्ट, विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय कोर्ट एज लॉ, ठीक है। तो केसी डेविस कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मतलब है वो सभी रूल्स जिन्हें रिकॉग्निशन मिलता है किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा, और वो सभी रूल्स क्या कहलाते हैं, लॉ कहलाते हैं। दोज रूल्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय कोर्ट एज ए लॉ विच रिलेट्स टू एंड रेगुलेट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहते हैं, ठीक है। तो केसी डेविस कहते हैं कि देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से हमारा मतलब उन सभी रूल से है जो रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा, इन फॉर्म ऑफ लॉ, लॉ के फॉर्म में, विच रिलेट्स टू, जो कि रिलेटेड है एंड रेगुलेट करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन को, उसे हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो ये है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन द वर्ड्स ऑफ हुम, इन द वर्ड्स ऑफ केसी डेविस, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि सर आइवोर जेनिंग्स कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को डिफाइन करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है तो आप इन्हीं सारे पॉइंट्स को वहां पे लिख दोगे, आपके एक भी मार्क्स नहीं जाने वाले हैं। चलिए, इन द वर्ड्स ऑफ सर आइवोर जेनिंग्स, सर आइवोर जेनिंग्स कैसे डिफाइन करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को, आइए समझ लेते हैं। ये कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज दैट लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वो लॉ है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज दैट लॉ, वो लॉ है विच कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द एक्टिविटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, जो कि क्या करता है, विच कंट्रोल्स एंड regulates the activities of administrative authorities, जो कि क्या करता है, administrative authorities के activities को control या regulate करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम administrative law कहते हैं। alright, तो ये है हमारा administrative law का meaning एज पर डिफरेंट स्कॉलर्स, राइट? चलिए
तो आई होप मीनिंग क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का वो आपको क्लियर हो गया होगा। देखो बेसिकली जो पावर और फंक्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज का वो डिवाइड है थ्री हेड्स में। क्या कहा गया? द पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज इज डिवाइडेड इनटू थ्री हेड्स। तीन हेड्स में एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के पावर और फंक्शंस को डिवाइड किया गया है और इन्हीं तीनों बॉडीज के द्वारा एक देश के एडमिनिस्ट्रेशन को इंश्योर किया जाता है। राइट, लिखो पावर एंड फंक्शन ऑफ, पावर एंड फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, पावर एंड फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज इज डिवाइडेड इनटू थ्री हेड्स। कौन कौन से हैं? पहला है हमारे पास लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव, राइट। सेकेंड वन इज एग्जीक्यूटिव और तीसरा हमारे पास जुडिशियरी। तो हमारे देश का जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं उनके जो भी पावर्स और फंक्शंस हैं वो इन्हीं तीनों हेड्स में क्या है, डिवाइड हैं और एक देश के एडमिनिस्ट्रेशन को इन्हीं तीनों हेड्स के तहत चलाया जाता है। राइट, लेजिस्लेचर क्या करता है? लेजिस्लेचर मेनली लॉज बनाने का काम करता है। एग्जीक्यूटिव उन लॉज के इम्प्लीमेंटेशन पे काम करता है, उन लॉज के एप्लीकेशन पे काम करता है। जुडिशरी ये इंश्योर करता है कि जो भी लॉज लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए हैं वो विद इन द परव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, विद इन द लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है, क्या जो भी लॉ बनाए गए हैं वो किसी भी मैनर में हमारे देश के सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर जो भी लॉज बनाए गए हैं वो हमारे देश के लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करते हैं तो जुडिशरी के पास पावर होता है उन लॉज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने का। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो तीनों बॉडीज़ हैं वो एक दूसरे के वर्क को चेक एंड बैलेंस करने का काम करती हैं। साथ ही साथ जुडिशरी का काम क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, यानी जो भी लॉज लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए जा रहे हैं उनके एग्जैक्ट मीनिंग को ड्रॉ करना, उनके एग्जैक्ट मीनिंग को इंटरप्रेट करने का काम भी कौन करता है, जुडिशरी करता है। तो बेसिकली द पावर एंड फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज इज डिवाइडेड इनटू थ्री बॉडीज व्हिच इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। क्लियर? चलिए नाउ जो मेन ऑब्जेक्टिव है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का वो क्या है, द मेन कंसिडरेशन और द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज टू हैव कंट्रोल ओवर द एक्सरसाइज ऑफ दीज पावर्स, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज अपने पावर्स का इस्तेमाल इन तीन हेड्स के तहत करती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का यही ऑब्जेक्टिव है कि इन के ऊपर, यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं जो अपने पावर को एक्सरसाइज कर रही हैं जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर के तहत, इनके पावर्स पे कंट्रोल रखना ताकि वो अपने डिस्क्रिशनरी पावर को आर्बिट्रेरी पावर में ना कन्वर्ट कर सके। ठीक है, तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज टू हैव कंट्रोल ओवर द पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। क्लियर है? ओके, चलिए नाउ देखो जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन इंडिया को देखते हैं तो ये बहुत हद तक क्या है, सिमिलर है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑफ यूएसए से। द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन इंडिया इज वेरी मच सिमिलर टू एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑफ यूएस। क्लियर? नाउ देखो क्वेश्चन आता है, विथ द ग्रोथ ऑफ पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज द क्वेश्चन एज हाउ टू कंट्रोल दीज पावर्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट।
तो जैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के पावर्स में ग्रोथ देखने को मिलता है, एक क्वेश्चन इक्वली इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि इन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के पावर के ऊपर कंट्रोल इम्पोज किया जाए, ताकि ये अपने डिस्क्रिशनरी पावर को आर्बिट्रेरी पावर में ना कन्वर्ट कर सके। राइट, ओके। तो द की फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज टू फाइंड द वेज इन विच एडमिनिस्ट्रेशन कुड बी किप्ट विद इन लिमिट्स सो दैट डिस्क्रिशनरी पावर मे नॉट बिकम आर्बिट्रेरी पावर। तो जो की फंक्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का वो यही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के एक्शन के ऊपर कंट्रोल रखा जाए, ताकि वो जो भी काम करें वो विद इन द परव्यू ऑफ लॉ हो, विद इन द लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना कर सके। ठीक है, तो आई होप कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है एंड व्हाई वी नीड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये आपको बहुत हद तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में। कुछ बुलेट पॉइंट्स के माध्यम से हम ऑब्जेक्टिव ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को समझते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए। नाउ अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ऑब्जेक्टिव्स देखो, सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेक चेक ओवर द एक्टिविटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के एक्टिविटीज को टाइम टू टाइम चेक करना। राइट, तो पहला लिखो टू मेक चेक ओवर the activities of administrative authorities right। दूसरा, to ensure the rule of law in country, हमारे देश में rule of law के principle को ensure करना। right, दूसरा क्या है, to ensure rule of law इन अ कंट्री। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, पहला टू मेक चेक ओवर द एक्टिविटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज टू एंश्योर रूल ऑफ लॉ इन अ कंट्री। थर्ड वन इज टू शेयर द बर्डन ऑफ वर्क्स ऑफ ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के वर्कलोड को डिक्रीज करना। राइट, और क्या है, टू प्रोवाइड रेमेडीज टू जनरल पब्लिक अगेंस्ट इल ट्रीटमेंट मेड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज। गवर्नमेंट अथॉरिटीज अगर पीपल को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं तो उन्हें पनिश करना, उन्हें रेमेडीज प्रोवाइड करना। राइट, ओके। तो टू प्रोवाइड रेमेडीज against ill treatment by administrative authorities, right? So to provide remedies to general public against ill treatment by administrative authorities। चलिए और क्या है, primary objective of administrative law is to limit the power of government to protect citizens against their ill treatment। जो primary objective है administrative law का वो यही है कि administrative authorities के action के ऊपर control किया जाए, ताकि वो within the limits of law रह करके अपने powers का इस्तेमाल करें। right,
तो ये भी लिखो, टू लिमिट द पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, राइट? ओके, तो इन सिंपल वर्ड्स अगर हम ये कहें कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द बॉडी ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डर्स, डिसीजंस क्रिएटेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज या एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है? बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बॉडी ऑफ रूल्स है, क्या है? रेगुलेशंस हैं, ऑर्डर्स हैं, डिसीजन है, विच इज़ क्रिएटेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज, जो कि गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज क्रिएट करती हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं, वो किस तरह से एक्ट करेंगे, राइट? यही है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्लियर? ओके, फिर क्या है हमारा? फिर टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ, टू फॉलो और टू एंश्योर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि ये इंश्योर कराना कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज एक्शन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ऑलराइट? ओके, चलिए, ये था आपका मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब हम बात करेंगे इसके नेचर के बारे में। तो अगर इसके नेचर को हम देखें, तो सबसे पहला जो इसका नेचर है वो क्या है? ये एक पब्लिक लॉ है, इट इज़ ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ। दूसरा क्या है? इट इज़ अनकोडिफाइड लॉ। ये क्या? एक अनकोडिफाइड लॉ है, राइट? चलिए लिखो, नेचर पहला, इट इज़ ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ, इट इज़ ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ। ये क्या है? पब्लिक लॉ का एक ब्रांच है। दूसरा, इट इज़ अनकोडिफाइड लॉ। ये क्या? एक अनकोडिफाइड लॉ है। तीसरा, इट डील्स विथ एक्टिविटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, डील्स विथ एक्टिविटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। और लास्ट वन, इट डील्स विथ ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, डील्स विथ ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, राइट? तो दीज आर द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ये क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के कुछ नेचर हैं, जैसे इट इज ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ, ये क्या है? पब्लिक लॉ का एक ब्रांच है। दूसरा, इट इज अनकोडिफाइड लॉ, ये अनकोडिफाइड लॉ है। तीसरा, ये डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के एक्टिविटीज से। चौथा, ये डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज पावर एंड फंक्शंस के। तो दीज आर द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। राइट नाउ वी हैव डिस्कस्ड द मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ऑब्जेक्टिव एंड नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब अपने कल के वीडियोस में हम सोर्सेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में बात करेंगे। तो अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।